Good morning to all. How are you? All are fine? Okay, very good. I am also fine. Today I will teach you what? Yes, E and F letters. Okay, आज मैं आपको E letter और F cursive letter मैं आपको सिखाऊंगी. ठीक है, small cursive letter. ठीक है, तो बच्चों ये बताओ कि E for क्या होता है? कुछ याद आया? Yes, वो क्या है? बहुत ही ह्यूज एनिमल है. वो क्या है? वाइल्ड एनिमल है. तो आज मैं उसके लिए कुछ बना के लाई हूं. E for देखना चाहेंगे क्या है? E for है एलिफेंट. देखो कैसे है, इसको करोगे तो ये क्या हो जाता है, इसके जो ट्रंक है ये नीचे आ जाते हैं. तो ये है E for एलिफेंट. E for एग भी होता है. एग इट मीन्स अंडा. ठीक है, और एलिफेंट इट मीन्स हाथी. और ई तो आपका हो गया. एफ फॉर बताओ क्या होता है? याद आया? कोई है जो जल की रानी है, आपके एक पोयम भी है. ठीक है, वो क्या है? फिश. ये भी मैंने आपके लिए बनाया है. ये देखो एफ फॉर फिश. ये क्या है? मछली जल की रानी है और जीवन क्या है इसका? पानी है. तो एफ फॉर फिश एंड एफ फॉर फॉक्स दोनों होता है. ठीक है, तो आज हम लोग ई और एफ स्मॉल कर्सिव लेटर पढ़ना सीखेंगे. तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको अपनी कॉपी, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर हमेशा अपने साथ लेकर के बैठना है, ताकि आप बीच में डिस्टर्ब ना हो. ठीक है, कहाँ बैठना है? एकदम मेरे सामने में. ठीक है, ताकि जैसे जैसे मैं लिखूं वैसे वैसे आप भी अपनी कॉपी में लिखना शुरू करो. ठीक है बच्चों, तो आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो हम लोग चलें लिखने. ओके बच्चों, बच्चों ये है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट. आपको इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको इंग्लिश ही पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, मैं इस बोर्ड में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, इसीलिए अलग अलग सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ. ठीक है, आपको आज की डेट लगानी है CW 10/5/2021. ओके बच्चों, तो हम लोग लिखना शुरू करें. ऑल ऑफ यू टेक योर पेंसिल. ठीक है, काउंट करें 1 2 3 स्टॉप. आपको 3 पे क्या करना है? स्टॉप हो जानी है. ठीक है, आपने एक के लिए क्या किया था? यहां पर एक डॉट मारी थी और एक डॉट हल्के से स्लॉपिंग आगे मारी थी. ठीक है, तो आपने कैपिटल लेटर में भी ई बनाना सीखा था. ये है स्मॉल ई. तो यहां से आपको क्या करनी है? सेकेंड लाइन की ओर जानी है. 1 2 3 स्टॉप हो गए. ओके, स्लोली स्लोली गो एंड टच दिस सेकेंड लाइन. ओके, स्टॉप एंड देन लिटिल बिट टर्न लेफ्ट साइड एंड देन कम 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 दिस इज एंड टच दिस थर्ड ब्लू लाइन. ओके, और इसको क्या करना है? थोड़ी सी आउट कर देनी है लाइन. दिस इज ई. ई फॉर एलिफेंट एंड ई फॉर एग. ठीक है बच्चों, आपने देख लिया. एक बार और लिख करके दिखाऊं. 1 2 3 स्टॉप. ओके, क्या करना है? यहां से आपको कहां लेनी है? थोड़ी सी स्लॉपिंग करते हुए, सीधा नहीं लेना है. सीधा लोगे तो एल बन जाएगा. क्या करना है? यहां से ऐसे लेना है. ठीक, एक यहां डॉट करो, एक यहां डॉट करो. ठीक, एकदम टेढ़ा. थोड़ी सी आपको क्या करना है? थोड़ी सी स्लॉपिंग करनी है. ओके, थर्ड लाइन आपने स्टॉप हो गया. 1 2 3 स्टॉप एंड गो एंटर दिस सेकेंड लाइन. ओके, लिटिल बिट मूव वेयर लेफ्ट साइड. ओके, एंड देन स्लोली स्लोली कम डाउन एंड टच दिस थर्ड लाइन एंड वेयर गो आउटसाइड. दिस इज स्मॉल कर्सिव लेटर ई. दिखाई दे रहा है? अगेन आई एम राइटिंग हियर. लेट्स सी. 1 2 3 स्टॉप. टच दिस सेकेंड लाइन. टर्न लेफ्ट साइड एंड अगेन कम थर्ड लाइन एंड लिटिल बिट आउट. दिस इज स्मॉल कर्सिव लेटर ई. अगेन आई एम राइटिंग सी. 1 2
थ्री स्टॉप जस्ट बिलो यू विल राइट ओके वन टू थ्री स्टॉप गो एंड टच सेकेंड लाइन लिटिल बिट मूव लेफ्ट साइड एंड टच दिस थर्ड लाइन एंड गो आउट साइड दिस इज स्मॉल लेटर ई ठीक है बच्चों तो आपने ई देख लिया है बीच में आपके टू फिंगर गैप होनी चाहिए ठीक है अगेन टू फिंगर गैप अब आपको क्या सीखना है एफ फॉर क्या फिश ओके तो हम लोग यहां बनाना शुरू करें वन टू थ्री स्टॉप यहां पे क्या करना है आपको एकदम स्ट्रेट हल्का सा स्ट्रेट जाना है मतलब ज्यादा नहीं हल्का स्टॉपिंग है ठीक है आपको रेड लाइन टच करनी है एफ के लिए ठीक और डायरेक्ट आपको स्ट्रेट लाइन लाना है यहां पर इस रेड को लाइन को टच करना ये एफ है इसमें आपके ऊपर और नीचे दोनों आपके रेड लाइन टच होंगे ठीक है अब आपको क्या करनी है यहां से आपको टर्न करनी है एकदम सीधा लानी है कहां तक रेड लाइन को टच करनी है हो गई टच अब आपको क्या करनी है इसको यहां से क्या करना है थोड़ी सी आपको टर्न करना है ठीक है अब यहां से आपको डायरेक्ट सेकेंड लाइन के पास लेके जानी है ठीक अब आपको क्या करनी है सेकेंड लाइन के पास जाने के बाद आपको बाहर निकालनी है सेकेंड लाइन को टच करनी है दिस इज एफ क्या है ये स्मॉल कर्सिव लेटर एफ एफ फॉर फिश एंड एफ फॉर फॉक्स ठीक है तो स्मॉल कर्सिव लेटर का मतलब आपने फिश और फॉक्स आपने देख लिया ठीक है अगेन आई एम राइटिंग हियर लेट्स स्टार्ट टेक योर पेंसिल वन टू थ्री स्टॉप गो एंड टच दिस रेड लाइन ठीक है अब यहां से आपको क्या करनी है यहां से टर्न करनी है सीधा लानी है रेड लाइन की ओर ठीक यहां से आपको क्या करनी है टर्न करनी है और डायरेक्ट आपको लेके जानी है सेकेंड लाइन के पास ठीक अब आपको क्या करनी है यहां से बाहर निकाल के सेकेंड लाइन को टच कर देनी है यह स्मॉल कर्सिव लेटर एफ दिखाई दे रहा है अगेन आई एम राइटिंग जस्ट बिलो दिस एफ वन टू थ्री स्टॉप गो एंड टच दिस रेड लाइन स्ट्रेट आनी है टर्न करनी है डायरेक्ट सेकेंड लाइन के पास जानी है दिखाई दे रहा है यहां से आपको सेकेंड लाइन के पास जानी है और इसको फिर बाहर निकाल देनी दिस इज स्मॉल कर्सिव लेटर एफ अगेन आई एम राइटिंग सी वन टू थ्री स्टॉप गो एंड टच दिस रेड लाइन लिटिल बिट मूव कम एंड स्ट्रेट लाइन एंड टच दिस रेड लाइन ओके लिटिल बिट राइट साइड मूव एंड देन डायरेक्ट गो एंड टच दिस सेकेंड लाइन एंड लिटिल बिट गो आउटसाइड एंड टच दिस सेकेंड लाइन ओके दिखाई दे रहा है बच्चों तो ये है बच्चों आपका स्मॉल कर्सिव लेटर ई एंड एफ ओके तो यही आपको क्या करना है आपके क्लासवर्क भी हैं और क्या है आपके होमवर्क भी हैं तो आपके होमवर्क में क्या है आज की डेट लगानी है 5/21 ओके होमवर्क में क्या मिल गई आपको ई एंड एफ दिखा दे रहा है होमवर्क आपके कितने पेज रहेंगे 2 पेज ठीक है तो होमवर्क में आपको क्या करनी है आपने कहां तक पढ़ लिया है 10/5/21 आपने होमवर्क में पढ़ा है स्मॉल ए से लेकर के कहां तक एफ तक स्मॉल ए से लेकर के एफ का मतलब क्या है पता है ना ए से स्टार्ट करना है यानी कि ए बी सी डी ई एफ ठीक वन लाइन में ओनली 4 लेटर ही लिखना है ठीक है 4 से 5 मत करना उसके बाद धीरे धीरे जस्ट उसके बिलो आपको लिखनी है तब आपकी राइटिंग क्या होगी बहुत ही सुंदर बनेगी ठीक है बच्चों तो आपने देख लिया ये आपका होमवर्क है तो बच्चों आपने आज कर्सिव लेटर स्मॉल कर्सिव लेटर ई एंड एफ आपने सीख लिया ना ई फॉर एलिफेंट भी सीख लिया
और क्या एग, और एफ फॉर फिश, और आपने फॉक्स देख लिया, ठीक है। तो कैसे एफ लिखते हैं आपने सीख लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों लोग मिलकर के कहाँ चलते हैं, कुछ और अच्छी तरह से कैसे ई लिखा जाता है, कैसे एफ लिखा जाता है, हम लोग छोटी सी एक वीडियो जो है आपकी गेम यानी कि, ठीक है, जो वीडियो गेम में खेलते हैं तो वैसे ही आप खेलते खेलते सीख सकते हो मेरे साथ। तो हम लोग उसको देखना शुरू करें, और उसके साथ साथ क्या कुछ और भी है, बहुत अच्छे सी ई फॉर स्टोरी और एफ फॉर स्टोरी है, तो हम लोग दोनों लोग मिलकर के वो स्टोरी देखते हैं, देखना शुरू करें। ओके बच्चों, E is for elephant. Eight Golden Eggs by Ridhima Rawal. Ella, the baby elephant, and Emma, the emu, are good friends. Ella has big ears. Emma has large eyes. One morning, they find eight golden eggs in a cave. Look, so many golden eggs, says Ella. They take the eggs to Captain Eagle. He keeps the eggs in an egg basket. Thank you, my friends, says Captain Eagle. They eat lunch with him and go back home. Let's recall now. Elephant, emu, eggs, eagle, eyes, ears. The end. Is for flower. F. Two Friends and the Frogs by Ridhima Rawal. Frank and Frida are best friends. They are 5 years old. They love playing football on the field. One day, they hear a cry from the farm. They go there and find four baby frogs crying.
A fox is making a funny sound. Shh! Don't make noise here. Let the baby frog sleep, says Frank to the fox. The fox listens to him and goes away to the forest. The baby frogs can sleep now. Let's recall now. Frank, Frida, friends, football, field, farm, frog, fox, forest. कैसा लगा आपको? E for Emma, है ना? और MU भी थी ना, Ella और MU. तो E for आपने देखा क्या क्या होता है एलिफेंट के अलावा. E for होता है आपके आईज और E for आपके होते हैं क्या? ईयर. तो आपने देखा उसमें भी कि E for एलिफेंट और एक के साथ साथ क्या था? MU था, आईज था, ईयर था. आपने बहुत सारे लास्ट में स्टोरी के साथ उसका रियल पिक्चर भी देखा है. ठीक है, वैसे ही आपने एफ फॉर भी देखा, उसमें भी क्या है? फॉक्स की स्टोरी थी ना, और उसमें एफ फॉर क्या था? फ्रॉग. तो उस कैरेक्टर के साथ आपको रियल कैरेक्टर भी दिखाई दिया था. ठीक है, तो एफ फॉर आपने देखा बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे कि फार्म, फील्ड, फॉरेस्ट एटसेट्रा. देखा ना आपने? तो इसी तरह से बच्चों आप मेरे साथ बने रहो और नए नए लेटर्स के साथ हम लोग नए नए क्या है उस लेटर से गेम और स्टोरी हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो हमेशा आप लोग ऐसे ही एंजॉय कीजिए और खेलते खेलते मेरे साथ बने रहिए. ठीक है, तो ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट. क्या किस चीज के लिए? नेक्स्ट लेटर के लिए. और जो आपके हो चुके हैं, जैसे ही आपका लेटर फिनिश होगा तो आपका टेस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अभी तक आपने टेस्ट नहीं दिया है, तो जैसे ही लेटर फिनिश होगा आपको टेस्ट देना पड़ेगा. ओके बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में वापस आप अपनी नैन्सी मैम के साथ मिलेंगे नए दो लेटर के साथ. ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर.